नमस्कार सुदर्शन मिश्र पुनर्बार आपण समस्त को स्वागत करुच्छे एक गुरुत्वपूर्ण अमूल्य भिडियो मध्यम भिडियो टी कहानी को समस्त शुणे कारण ये कहानी टी आप जीवन में गोटे विराट परिवर्तन आणव आपण कहीं भी हूँ आपण कौन से कर्म करता कौन से अवस्था था मनुष्य जीवन में एमती किसी समय आसे एम कि मोड़ आसे जिते लगे जीवन समस्त जिनस सरीगला से कौन सी भी क्षेत्र में हो तार पारिवारिक क्षेत्र में हो आर्थिक क्षेत्र में हो सामाजिक क्षेत्र में हो संपर्क को नहीं हो बेले बेले एमती किसी घटना घटी जाए ता जीवन में बहुत किसी समस्या आसी ठिया जाए ताको से संपूर्ण रूपे जीवन में गोटे निराश परिस्थिति को सामना करिया पड़े से जीवन संपूर्ण आशा छाड़ दिए ताको लगे आउ मो जीवन में किसी रास्ता ना किंतु सेतेबेले ईश्वर हसंती सेतेबेले कहती बाबूरे एटा केवल गोटे तो जीवन मोड़ समस्या हूँ तो जीवन गोटे मोड़ यहाँ तो जीवन अंत नुह शेष नुह थरे आखि खोली देख थरे तोर दृष्टिकोण को परिवर्तन कर तो जो पार्श्वरे एबे दृष्टि निक्षेप कर ठीक तार विपरीत पार्श्व को दृष्टि निक्षेप कर तो जीवन संपूर्ण रूपे परिवर्तन हो मु सुदर्शन मिश्र सब बेले आपण जीवन में ए समस्त जिनस प्रवेश करू आपण दृष्टिकोण परिवर्तन हो सब समस्या निजर दृष्टि हटे सफलता उपरे जीवन अमूल्य शिक्षा उपरे दृष्टि निक्षेप करंतु जीवन अमूल्य रास्ता को अमूल्य शिक्षा को उन्मोचन करंतु जीवन को गोटे सुंदर हिसाब से बचंतु ए समस्त जिनस पाई मु चेष्टित जब प्रथम तरफ मत शुणु तेज मो सहित जोड़ी ही रुहतु आप जीवन में बहुत किसी जिनस जानवे जहाद्वारा कि आप जीवन संपूर्ण रूपे गोटे सफल जीवन ही गढ़ी उठ आज ए सुंदर कहानी माध्यम रे सुंदर वीडियो माध्यम रे एमिति किछ अमूल्य शिक्षा जानिबा जेतबे आमे संपूर्ण रूपे हताश निराश होई जीवन नु समस्त आशा छाड़ी देतिबा सेतबेले ए कहानी टी ए शिक्षा टी आम जीवन को संपूर्ण रूपे नुआ मोड़ दबो आम जीवन को परिवर्तन करिबो कोनसे अंचल रे जने गुरु आ शिष्य थिले गुरु शिष्य दिन दुई जन नाक अत्यंत ज्ञानी थिले से मैंने सदा सर्वदा बाहर को यात्रा करती बाहर यात्रा करती गाँ गाँ बुली स्थान स्थान बुली लोक मान अमूल्य शिक्षा दिखती लोकंर जीवन परिवर्तन करती और शिष्य जनक बहुत आनुगत्य प्रकाश करुला सब गुरु सहित पाखे पाखे रोला गुरु ठारू अमूल्य शिक्षा शुणुला ता जीवन लक्ष्य था मुझे उच्चतम मनीष हे से सदा सर्वदा गुरु पाखे पाखे रही समस्त जिनस को निरीक्षण करुला इतिमध्य दूरजात्रा जो कले सन्ध्याला कौन से गोटे गाँ पाखे से लगला आउ आग को यात्रा करहब ना यही ग्राम से आम विश्राम नवा जिते आखपाखे घर खोजिले किसी पाइले ना बहुत खोज सारापर देखिले गोटे छोट कुटिया अच्छे गोटे भग्न कुटीर अच्छे कई जन दरिद्र व्यक्ति बोध ताखे रोच विराट जमी पड़चे विराट अंचल पड़चे कितु पाखे कहीं ना अच्छी तो गोटे भंगा कुड़िया गुरु शिष्य दुई जन जाक गले ठीक कले जहाँ भी हो स्थान रही जा रात्रि आगु जीवाटा बुद्धिमान काम हम ना जैसे कुड़िया कबाटी को ठक ठक कले ताद्रु बाहर जन अत्यंत दरिद्र स्त्री लोक पाखर दुई चारो पा एवं नमस्कार कला ता स्वामी आसला तार अवस्था बहुत दरिद्र अवस्था ये गुरु शिष्य दुई जन जाक कहले जे आमे गोटे दूरजात्रा करछु आज एटी राती हो गलानी आमे चाहू तुम घरे टिके विश्राम करिबु काली सकाळे चली जिबु ए माने गरीब थिले किंतु अत्यंत भद्र थिले से माने कहले ठीक अछि आपण त रहि जांतु गुरु शिष्य तांको घरे विश्राम कले जहाँ किछि खाद्य से मानको संबल अनुसार रात्रि रे जहाँ से माने करितिले गुरु शिष्य को मध्य अर्पण कले ए दुई जन मध्य खाद्य खाइले खाद्य खाइ रात्रि रे विश्राम कले जो विश्राम कर वार्तालाप है कि कथबार्ता है गुरु एवं शिष्य बसी था दरिद्र लोक जनक बसी था गुरु जन कहले बाबू तुम ये बहुत जमी पड़ी बहुत अंचल अच्छी चाषवास कहीं होनी से व्यक्ति जन कहले आज्ञा जमीवाड़ी बहुत अच्छे बापा अमल रू जेजे अमल रू जमीवाड़ी सब अच्छे कि चाषवास विशेष किसी हुए गुरु जो कह तुम्हें चलुच केमी कहले मो पार गोटे गाई अच्छी प्रत्येक दिन से गाई किसी क्षीर दिए मु क्षीर को नहीं गाँव में बिके जहाँ कि पैसा हुए
ତାଦେ ଆମେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳୁ ଆଉ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଟିକେ ବଳେ ତାକୁ ମୋ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଅନ୍ତି ଏମିତି ଜୀବନ ଚାଲିଛି। ଗୁରୁ କହିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଜମି ଅଛି ତମେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିନ? କହିଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଜମିରେ ଆମେ ଯେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏଠି କିଛି ଫଳ ଫଳିନି। ଏତିକି କହି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲେ। ଗୁରୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯାଅ ଏବେ ଶୁଅ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ରାତିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ଠିକ ରାତି ତିନିଟା ବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ଗୁରୁ ଜଣକ ଉଠିଲେ। ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ବାବୁ ଏବେ ଉଠ ଆମେ ଏଠୁ ପଳାଇଯିବା। ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କହିଲା ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ରାତିରେ କେମିତି ପଳାଇବା ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର? କହିଲେ ନାହିଁ ଏବେ ପଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିଷ୍ୟ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଶିଷ୍ୟର ଧର୍ମ ହେଉଛି ସେୟା, ଗୁରୁ ଯାହା କହିବେ ତାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରିବ। କାରଣ ଗୁରୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଯିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଜାଣନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ତାକୁ କେବଳ ସେଇ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ବୁଝିପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ ଯିଏ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯିଏ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଅଧାରୁ ଶୁଣିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ବି ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେୟା କଲେ। ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଗୁରୁ ଯେତେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ଆଉ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଗୁରୁ କ'ଣ କଲେ, ସେ ବିଚରା ସେ ଗରିବ ଲୋକଟିର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗାଈ ଥିଲା ଯାହାଙ୍କର କ୍ଷୀର ବିକି ସେ ଚଳୁଥିଲା, ସେ ଗାଈଟିକୁ ଫିଟେଇଦେଲେ, ଫିଟେଇଦେଇ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଘୋଡ଼େଇଦେଲେ। ଆଉ ଗାଈଟି ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା। ଗୁରୁ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ବହୁତ ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲା ଆଉ ଭାବିଲା ଗୁରୁ ଯେ ଏତେ ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ, ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ସାହାରା ନାହିଁ ଚଳିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗାଈ ଯାହାର କ୍ଷୀର ବିକି ତାର ପରିବାର ଚଳୁଛି, ଗୁରୁ ତା ଗାଈଟିକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ଯେମିତି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହଜିଯିବ, ସେ କରିବ କ'ଣ? ସେ ବିଚାରରେ ତ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, ତା ପରିବାର ଛଟପଟ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସାହସ କରି ମୁହଁ ପିଟେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏ କଥାଟି କିନ୍ତୁ ତା ମନ ମଧ୍ୟ ରହିଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଗୁରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିସାରିଲା ପରେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଧରି ଚାଲିଗଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଦିନ କଟିଗଲା। ଶିଷ୍ୟ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏ କଷ୍ଟଟି ଥାଏ, ଗୁରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଗୋଟେ ଜୀବନରେ କଲେ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ତ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଶିଷ୍ୟ ମନରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। କିଛି ବର୍ଷ କଟିଗଲା, ପୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହେଲା। ଏଥର ଗୁରୁ କହିଲେ ମୁଁ ଏଥର ଯିବି ନାହିଁ ବାବୁ, ତମେ ଯାଅ, ଶିଷ୍ୟକୁ ପଠାଇଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା, ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ତା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଅଛି ତାକୁ ସେ ବୁଝୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିବା କେମିତି ଆବଶ୍ୟକ। ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା, କାରଣ ତା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକଟାର କିଛି ଅସୁବିଧା କରିଦେଇ ଆସିଲୁ ସେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କେଉଁଠୁ ହଜିଯାଇଥିବ, ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିବ ମୁଁ ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜେ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଆସିବି। ଏ ଜିନିଷଟି ମନରେ ନେଇ ସେ ଚାଲିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କଲେ ଏବଂ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜିଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ କୁଡ଼ିଆରେ ସେମାନେ ରହିଥିଲେ। ବହୁତ ଖୋଜିଲା ବେଳେ କୁଡ଼ିଆ ଆଉ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଖୋଜି ଖାଜି ସାରିଲା ପରେ ପାଖ ଆଖରେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲା, ପରିବାରକୁ ନେଇ କାହିଁ ସେ, ସବା ଶେଷରେ ଖୋଜି ଖାଜି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଅଟ୍ଟାଳିକା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଗୁଡ଼ାଏ ଜମିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ହୋଇଛି, ବହୁତ ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ, ଜଣେ କେହି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବିକିବାକି ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛି କିମ୍ବା ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛି। ସାହସ କରି ଯାଇ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର କବାଟଟିକୁ ଠକ୍ଠକ୍ କଲା। ତା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଠି ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରହୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲି,
से व्यक्ति जनक कुआड़ गले आपण कही परिवे कि से व्यक्ति जनक हसिले कहले आज्ञा आपण सिना मते भूली जाइछंती कि मु आपण मने रखिछि किछ वर्ष पूर्व आपण आउ आपणकर गुरु मो घरे विश्राम नैतिले किंतु कौन मो द्वारा भूल हेला मु जानेनी आपण माने राति अधरे उठी चली गले आ गोटे बड़ दुखर कथा थिला जे आपण जो दिन चली गले सेइ दिन सकाळ सकाळ मो गाय टिके मध्ये के चोरै नै गला किबा गाय टिके कोडे हजि गला शिष्य जनक सेतले अचंभित होले अरे ए जो व्यक्ति जार गाय हजि गला मो भाबितले संपूर्ण रूपे कोडे हजि जिवो ता परिवार छारखार रहि जिवो से एत्ते उन्नत अवस्था केमिति आसिला शिष्य सेतले समस्त जिनिस जानिया पई कौतल प्रकाश कला अपन पचारला मध्य से व्यक्ति अन सेतले कहिले आज्ञा आपण माने चली गले गायटी हजिगला गायटी सिना हजिगला बहुत बड़ मंगल साधन है कई जन चोरई दौ कि कई जन हजे दौ जहाँ भी हो जो व्यक्ति जन कर शतकोटी नमस्कार कारण से गायटी मो पाखे गायटी जो चलीगला आम पाखे कि रास्ता ना आम पा मो स्त्री मु आम समस्ते बचापी चेष्टा कलु कि दिन मागि जाची चलू कि देख लु ताद्वारा जीवन काटिपर ना आम जो सब टांगरा जमी थी भूमि थी तापर चेष्टा कलु फसल लगे किछे दिन फल कितु आउ कौन से चारा ना एटि आमको फसल तैयारी करने को पड़ो अन्यथा मृत्युवरण करू आम पा कौन से रास्ता ना आम पुनर्बार प्रचेषा कलु से जगार एमती फसल यामती क्षेत्र है जहाँकि दस खंड गाँव रमि क्षेत्र केवि सृष्टि प्रचेष्टा फल किछि वर्ष मध्य अंचल सबुठ बड़ धनी हिसाब से गणित हेलु आज आम पाखे ईश्वर प्रदत्त समस्त जिनस अच्छी धन संपत्ति सुख शांति सब जिनस अच्छी आम पाखे आज बहुत लोक निजे कार्य कर परिवार पोषण कर गायटी चली जाइन था आम आज से अवस्था था तेणु ईश्वर जहाँ भी करते प्राणी मंगल करती एतिक कही से कहला जे आपण आपण गुरु को मो तरफ नमस्कार चलाइबे एते बेळकु शिष्य जनक आखिरु गुरु धार धार लुह खसिला कारण से भलाबरे जानिछि जे गुरु काहे के गाय टिके घोड़े देथिले आ गाय के घोड़े देवा द्वारा मनुष्यर कौन मंगल साधन हेला से कहले ठीक अच्छे मो गुरु को आपण नमस्कार जलाइ देबी या कही फेरी आसिले आसी जेते गुरु पाखे पहुँचले गुरु ताको कहले बाबू सत्यासत्य जान लो शिष्य जनक लंब हे गुरु पाद तल पड़गला हे परम ज्ञानी पुरुष गुरु प्रत्येक कर्म प्रत्येक शब्दर मूल्य कौन मुझे बुझिले से दरिद्र व्यक्ति के बड़ मंगल आप साधन करके आईले आज मुझे देखिक आईले जदि आप गाय टी से विदा न कर आज ताते बड़ मंगल साधन ही ना था से आज जीवन गोटे जो पहाचरे पहुंचे से जीवन ने कभी स्वप्न रे एक भावि ना आपण से कार्यटी मत जो से लगुला ये गोटे विराट समस्या विराट विपद बोली से एत बड़ आशीर्वाद परिणत हो मुझे भावि नी ठीक एया मनीष सहित ये अमूल्य शिक्षा टी सब मन रखे मनीष जीवन में जो समस्या आसे से लगे मो जीवन सब जिन सरीगला किंतु ता सत्य नुह समस्या अर्थ हूँ जो जिन आम पाखे अच्छी आम जहाँ जाबुड़ी धरी से आम हाथ रू चलीगला कि तार अर्थ नुह आम जीवन संपूर्ण रूप नष्ट से मूल रही जिते आम हाथ रू कि गोटे चली जाए आम जीवन में आशा छाड़ी दिखते आम जीवन में जो बंका मोड़ आसे से आमको लगे आम जीवन टाइम सरीगला से ईश्वर हसी कहती बाबू ये तुम जीवन खाली गोटे मोड़ अंत नुह थे दृष्टि निक्षेप कर आर पट को आमको प्रत्येक क्षेत्र में यह करवा उचित जमी से व्यक्ति जनक कला आप चिंता करते जदि से जीवन सारा गाय उपर निर्भर करता तार अवस्था कौन होता से गाय उपर दृष्टि उठे गाय उपर दृष्टि को संपूर्ण रूप हटे जो तार जमी उपर रखिला जहाँ को से केबे भी मूल्य दे नथिला ओजन दे नथिला भावि नथिला ये मो जीवन गोटे एत बड़ संभावना सृष्टि कर जीवन केमती परिवर्तन होगा ठीक सेमती आम जीवन में जो समस्या अच्छे समस्या उपर नुह आमको समाधान उपरे दृष्टि निक्षेप करिया पड़ो
अर्थात जो जिन चली ईश्वर आशीर्वाद बोली भाभी आम पाखे जहाँ अच्छी जो अनंत संभावना अच्छी आम दृष्टि निक्षेप कर कार्य कर प्रत्येक मनुष्य पाखे बहुत किसी जिनस थाए ये हूँ मोर व्यक्तिगत अनुभूति मो सहित जीवन में बहुत किसी घटे मुझे दुखित थी कि जिते अमूल्य ज्ञान प्राप्त कली गुरु द्वारा से समस्त जिन खुशी खुशी ग्रहण कली आज से गोटे आशीर्वाद बोली भावुची से जहाँ हो सब ठीक हो जहाँ मो द्वारा मो हाथ छड़ा हो जा ईश्वर मोठ जहाँ छड़े नहीं दुख ना मोपाई गोटे विराट आशीर्वाद थी आए प्रत्येक मनुष्य अमूल्य ज्ञान द्वारा बुझा उचित आज आम जो अवस्था अच्छा दुखित अवस्था कि समस्या मध्य आम हाथ जो जिन चली जाए दुखित मतलब गोटे आशीर्वाद बोली भावंतु आग को चलतु आम पाखे बहुत जिनस अच्छी से जिनस दृष्टि निक्षेप करूँ ताकूमी सफलतार उच्चतम अवस्था को ने प्रचेषा करूँ देखिए आपत एमती गोटे सफलतम उच्च स्थान में पहुंचे जहाँ को जीवन ने के आशा आप नए ईश्वर जीवन ने मनुष्य जीवन ने आश्चर्य सब बड़े दिखती मनुष्य बुझीपारे प्रत्येक जिनस को आप दुखित न हो चिंतित न हो हाथ छड़ा हो गला बोली व्यथित न हो से जिनस को संपूर्ण रूप भूली जाए आशीर्वाद बोली भाभी अन्य पार्श्व उपर दृष्टि निक्षेप कर जीवन को उच्चतम अवस्था को नियंतु अमूल्य शिक्षा को बुझी सब आनंदित रुंतु खुशी रुंतु प्रत्येक जिनस को गोटे आशीर्वाद बोली भाभी जीवन यात्रा करूँ देखिए आपण जीवन सुंदर आनंदमय एवं गोटे दीप्तिमंत जीवन में परिणत हो आशा करूँ ए सुंदर कहानी को ए अमूल्य शिक्षा टू आपण माने बुझिबे निज जीवन ने निश्चित भाव प्रयोग करिवे ए वीडियो टी अन्य मानक सहित शेयर करिवे जो माने दुखित अच्छा जो माने चिंतित अच्छा से द्वारा शेयर करने द्वारा से माने मध्य दुख रु मुक्त हेबे से माने मध्य निज जीवन को आशीर्वाद रे परिणत करि परिबे वीडियो टी लाइक करिवे जदि प्रथम तरफ मत सुनते चैनल को सब्सक्राइब करिवे मो सहित जुड़ी रहिबे आग को पुणी आपण मान सहित देखा हेबो जीवन किसी अमूल्य शिक्षा माध्यम रे किसी गुरुत्वपूर्ण वार्ता माध्यम रे आज पई एतिकी धन्यवाद।